आप सभी लोग जानते हैं कि चार दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़े दमन में गए थे, ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की, मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टायर रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है, हमने यहाँ की FDA की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है, वहाँ की FDA से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कल उनकी भी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज़्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो FDA के मिनिस्टर साहब हैं उनके PNA OSD उन्होंने उनको फ़ोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब DCP हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स हैं और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि FDA ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उन्होंने कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। सर उसे केंद्र सरकार रोक रही है, प्रोवाइड नहीं करा रही है, नवाब मलिक कर रहे हैं। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करना है, इनको नरेटिव सेट करना है, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया, उनको मांगा वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है। कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के FDA ने निकाला वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के FDA ने निकाला। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय यह है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर दिया, पर इनको उससे लेन देन नहीं, इनको राजनीति करनी है।